गाइस आज के वीडियो हर्बल पंचवटी क्रीम के ऊपर होने वाले, जो कि एक प्रकार की ब्लेमिशेस एंड एक्ने रिमूवल वाली क्रीम है। गाइस इस क्रीम को कैसे यूज में लेना, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, कितने की आती है, कहाँ से खरीदने, तो गाइस कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तथा आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रही है कि आपको नीचे की साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है ताकि आप हमसे जुड़ जाओ। और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो घंटी आती है उसको भी याद रख के दबा देना है, ताकि मैं कोई भी नहीं डालू उसका आपको तुरंत पता लग जाए। साथ ही गाइस इस वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि मुझे भी अच्छा लगे, जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ आपको पसंद आ रहा नहीं तो यार जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर देना। गाइस इस क्रीम के बारे में बात की जाए तो गाइस इस क्रीम का नाम है हर्बल पंचवटी फेयरनेस क्रीम। तो गाइस अब बात कर दी इसके इंग्रेडिएंट की, तो गाइस इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स उसमें लेके जो कि एक प्रकार के हर्बल इंग्रेडिएंट्स है। गाइस इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल का नहीं उसमें ले गया है। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक भी यूज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल इसमें ले सकते हो। तो गाइस अब बात कर दी इसकी प्राइस की, तो गाइस आपको 10 ग्राम का पैक आपको 100 रुपीज़ के आसपास इसीलिए मिल जाएगा, जो कि ठीक ठाक है। आप इसे ऑफलाइन भी बाय कर सकते हो, मिले तो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी सारी लिंक्स मिल जाएगी, वहाँ से आप सीधी इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हो। गाइस इस क्रीम को आप सुबह शाम इसमें ले सकते हो, जैसे कि आप नॉर्मल फेयरनेस क्रीम इसमें लेते हो उसी तरह इस क्रीम को इसमें लेना है। तो गाइस अब बात करते हैं इसके बेनिफिट की। गाइस अगर आपके इसमें डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है या ब्लेमिशेज की प्रॉब्लम है तो आप इस क्रीम को इसमें ले सकते हो। और गाइस काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो क्रीम आप किसी को गोरा करते हैं, बट गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको फेयरनेस के लिए भी यूज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल यूज़ ना करें, ना ही क्रीम आप किसी को गोरा करती है ना ही फेयर करती है। अगर आपके इसमें छोटी मोटी डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, छोटी मोटी ब्लेमिशेज की प्रॉब्लम है तो आप इस क्रीम को इसमें ले सकते हो, बट आपके इसमें ज़्यादा ही ब्लेमिशेज की प्रॉब्लम है या एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप इस क्रीम को बिल्कुल भी यूज़ ना करें, या आपको उतना अच्छा फायदा नहीं दे पाएगी जितना आपको मिलना चाहिए। गाइस अगर आप इस क्रीम को यूज़ भी करते हो तो इसके रिजल्ट आपको काफ़ी स्लो दिखने को मिलेंगे, क्योंकि यार एक प्रकार की नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाली क्रीम। गाइस अगर आप इस क्रीम को कंटिन्यूस में लेते हो तो गाइस इसके रिजल्ट आपको काफ़ी स्लो दिखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने इस क्रीम को एक दो मंथ तक यूज़ किया और आपको इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है, गाइस ऐसा नहीं। ये जो क्रीम है एक प्रकार की नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाली क्रीम है जो कि काफ़ी स्लोली वर्क करती है। अगर आपकी स्किन पर ज़्यादा ही ब्लेमिशेज की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है तो आप इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें, गाइस आपको उतना अच्छा फायदा नहीं दे पाएगी जितना आपको मिलना चाहिए। अगर आपके स्किन पर छोटी मोटी ब्लेमिशेज की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है तो आप इस क्रीम को इसमें ले सकते हो, बट आपके स्किन पर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें, कोई दूसरी क्रीम ट्राई कर सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इट लर्निंग, ओके बाय।